वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से बहुत अच्छी हूँ। आप लोग भी उम्मीद करते जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो जी जुम्मे का दिन है, आप सभी को जुम्मा मुबारक। मैं दिन में जुम्मा मुबारक बोल के रात को मुजरा नहीं करती हूँ, मैं जुम्मा मुबारक ही बोलती हूँ। यूजली मैं तो बोलती भी नहीं हूँ। तो जी जैसे कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने रिहाना आंटी के वीडियोस भी देखा होगा, अभी मैंने भी देखा है रिहाना आंटी के वीडियो, जिसमें रिहाना आंटी बोल रही थी कि तिलक नगर पुलिस स्टेशन में जो है बुढ़ी को जो है हफ्ते में दो बार हाजिरी लगाने जाना पड़ता है। मतलब अगर रिहाना आंटी के केस में बुढ़ी को हफ्ते में दो बार हाजिरी लगाने जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सना भाभी के केस में भी उसको हफ्ते में दो तीन बार तो हाजिरी लगाने जाना ही पड़ता होगा। मतलब कि हफ्ते के चार पाँच दिन तो उसके पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने में लग जाता होगा। अब कोर्ट में जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है वो तो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने आप लोगों से एक चीज़ कहा था कि आंटी जो है एक टाइम पे हमको बोलती थी कि हमको भीख की ज़रूरत है, लेकिन वो हमारे कटोरे में भीख नहीं डालेगी। लेकिन देखो आंटी का ये बात बोल के जो है ना एक महीना भी नहीं गया, भीख मांगने की जो नौबत है वो उसके ऊपर ही आ गई। आज रिहाना आंटी ने बकायदा अपने मुंह से को बोला कि उसने जो माफ़ी की भीख मांगी थी। ठीक है, तो बड़ी बड़ी बातें जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वही है कि बड़ी बड़ी बातें जो होती है ना तकब्बुर और बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इंसान मुँह केवल गिरता ही, अल्लाह उसको मुँह केवल गिराता ही है। जो हमको बोल रही थी भीख नहीं दूंगी, कटोरा लेके लाइन में खड़े हैं, लेकिन मैं किसी को भीख नहीं दूंगी। अभी फ़िलहाल मेरा तीन टारगेट है, उन्हें तीन टारगेट ने उसकी ऐसी वजह दी कि उसको जो है भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। अब पैसा दिया कि नहीं दिया, पैसा देने से इनकार किया कि नहीं किया, ये तो नहीं पता, ये तो रिहाना आंटी ही रिवील करेगी बहुत जल्द। बट इतना है कि जो बोलती थी कल के डेट पर कि हमको भीख लेने की ज़रूरत है, हम लाइन से कटोरा लेके खड़े हैं, भाई हमारा दुकान तो चल रहा है उसके भीख के बिना, बट उसका दुकान बंद हो गया था दूसरों के भीख के बिना। ऐसे दूसरों ने भीख दिया, भीख में माफ़ी दी, तब जाके फिर से जो है यूट्यूब पे वीडियो डालना चालू हो गया। और घर में भी अपने खुद का जो छत है पैसे वाली करोड़पति उसका जो बंगलो है उसमें भी वो आई नहीं, तो इतने दिन तक तो फरार ही थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ के ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। अब तो इधर दो दिन इधर दो तीन दिन ऐसा करके पूरे हफ्ते के चार पांच दिन तो पुलिस स्टेशन की चक्कर काटने में उसके चले जाते होंगे बेचारी। और मैंने आप लोगों से बोला था कि वो जो है वो सोशल मीडिया में आएगी, क्योंकि डॉलर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको है। तो देखो आप महीना भर में नहीं हुआ उसका ये तमाशा होते हुए वो फिर से जो है क्या बोलते हैं बुढ़ा अभी आज जो है मुंबई पहुंच चुका है। जी हाँ, बुढ़ा मुंबई पहुंच चुका है और बुढ़ी का जो है ना अच्छी चीज़ बनाना चालू हो गया था। नेल्स हटा के लोगों को दिखा रही थी कि देखो नेल्स मैंने हटा दिया, तो भाई तो नेल्स हटा के दिखा रही कि भाई तूने नेल्स हटा दिया, बड़ी अल्लाह वाली बन रही थी, तो बालों का स्ट्रेस होता है ना, टकली तेरे नकली बालों को तो हटा वापस से। देखो हम सबको तो पता है कि तू टकली है, तू काफ़ी ज़्यादा टकली है, इतने इतने से तेरे बाल है तभी जाके तेरे एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती। दूसरों को टकली बोलती तो खुद क्या है, बालों का एकदम तेरा गुच्छा है क्या कमर तक, तू भी तो टकली है। दूसरों को तो एटलीस्ट एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट तेरी को एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत पड़ती। तो अगर नाखून हटा दिया था एक्सटेंशन भी हटा दे, पूरी तरीके से सल्ला वाली बन जाए। अब तक चुंडी ऐसी थी उसकी, ऐसी छाती पर था, अब वापस से चुंडी इस साइड में आ गई, वापस से रील बनाना स्टार्ट होगा। बुढ़ा जैसे ही आएगा मुझे करना भी स्टार्ट हो जाएगा, आ जाएगा क्या, बुढ़ा आ ही चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उससे ही अपनी जो है गौरी से मिलने आ रहा है, क्योंकि अब जो है सब कुछ मुसीबत जो है ऑलमोस्ट टल चुकी है, पूरी तरीके से तो नहीं टला, बट अभी जो है गिरफ्तार होने की ज़रूरत नहीं है ना, फरार होने की ज़रूरत है, घर पे है। तो गौरी का जो काला टुंडा बुढ़ा है वो ऑलरेडी मुंबई पहुंच चुका है। और रहा सवाल भीख का, तो चाची हमको तो तुम्हारे भीख की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारे भी, मैंने देखो ये बात करके भी दिखाया हाँ कि तुम्हारा नाम लिए बिना भी हम दूसरों के ऊपर रिएक्शन दे के भी कमा सकते हैं। ये तो एक ट्रेलर था कि दिखाना था कि हम ट्रेलर मतलब डॉलर कमा सकते हैं कि नहीं। हमको तो भीख की ज़रूरत तुम्हारी नहीं पड़ी, लेकिन तुमको दूसरों की भीख की ज़रूरत ज़रूर पड़ गई। तो इससे पता चलता है कि तुम्हारी क्या औकात है क्या नहीं है,
हर जो महीने दो महीने से तुम कॉन्टैक्ट सेफ्टी इसकी उसकी बात कर रही थी ना, तो तुम्हारी सेफ्टी, तुम कहाँ तक सेफ थी और कहाँ तक फरार थी और कहाँ तक किससे भीख मांगने की बात थी वो तो हमने देख ही चुके। तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, तुमने कितनी अपनी सेफ्टी करी है। रिहान आंटी को बोलते हो ना, अभी रिहान आंटी ने बोला कि बादाम खा अखरोट खा दिमाग होगा ये वो, लेकिन दिमाग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुमको ही है। रिहान आंटी ने ये बात तो बिल्कुल सही बोली। तो चलिए ये रहा मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग। अभी धीरे धीरे मैं बुड्ढी को अगर आऊँगी ट्रैक पे, अभी फिलहाल बहुत गर्मी हो गई, देख रहे हो मेरे फैन नहीं है, धूप देख रहे हो, अभी फिलहाल फैन नहीं है और उस घर में कूलर चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल लाऊँगी बुड्ढी के लिए धमाकेदार वीडियो। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर देख लें ब्लॉग से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्वामी आदि की दुआ की दरख्वास्त है एंड ऐसी प्यार देते रहिए, ऐसे साथ देते रहिए बस, और क्या। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है। और जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।